तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो यार आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और अपकमिंग जो वेब इवेंट्स के बारे में, जैसे कि हम लोग का एक स्पेशल रॉयल आने वाला है उसके बारे में, एंड साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हम लोग का इवोल्यूशन MP40 है वो आपको कैसे देखने को मिल सकता है। तो यार वो कैसे आएगा, कैसा सीन होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, एंड कौन सा इनक्यूबेटर हम लोग को नेक्स्ट रिटर्न में देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, एंड साथ ही साथ जो हम लोग का और कुछ वेब इवेंट है छोटे मोटे जो कि आपको बताना है, तो यार अपकमिंग बंडल्स के बारे में बताना है। तो यार वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, एंड अगर चैनल में नहीं आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यार ऐसे ही अपडेट एंड न्यूज में देते रहता हूँ। और यार खास कर इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार जो सबसे पहला इवेंट निकल के आ रहा है वो हम लोग का निकल के आ रहा है डायनेमिक डुओ करके जो हम लोग का बंडल से उसका इवेंट। तो यार ये इवेंट बाहर के सर्वर में बाय वन गेट टू के फ्री इवेंट में दिया जा रहा है। तो यार ये इवेंट कैसा होता है आपको पता है, बेसिकली मैं आपको फिर ही बता दे रहा हूँ जो नहीं जानते हैं। तो यार ये इवेंट बेसिकली होता है कि आपको कोई एक आइटम बाय करना पड़ता है, उस आइटम के लिए आपको डायमंड देने हैं, एंड देन आपको रैंडमली कोई दो रिवॉर्ड फ्री में देखने को मिलेंगे। हालांकि जो बंडल होता है उसके चांसेस काफ़ी कम रहते हैं कि बंडल आपको मिल जाए तुरंत लास्ट में ही मिलता है, ऐसे चांसेस रहते हैं, बट ऐसा कुछ ये इवेंट रहता है आपको एक चीज़ बाय करने हैं, देन आपको रैंडमली कोई दो चीज़ देखने को मिल जाएगा फ्री में। तो ये था इसका सीन, एंड हम बात कर लेते हैं जो हम लोग का स्पेशल रॉयल होगा। ये स्पेशल रॉयल आपको देखने को मिल सकता है इंडियन सर्वर में, हालांकि इसके चांसेस कम है क्योंकि जो हम लोग का कोबरा का जो बंडल है वो आपको स्पेशल रॉयल में देखने को मिल सकता है, उसके ज़्यादा चांसेस है। कि जो हम लोग का कोबरा का जो बंडल्स मैंने आपको दिखाया था इवोल्यूशनरी बंडल्स जिसकी कलर चेंज होती है, वो बंडल आपको ये स्पेशल रॉयल में देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो बंडल है ये हम लोग के स्काइलर कैरेक्टर के थीम पे, तो ये कैसे आएगा वो तो वक्त बताएगा, बट इवेंट कैसा होगा मैंने आपको बता दिया कि ये आपको स्पेशल रॉयल में देखने को मिलेगा कोबरा के बंडल्स, या तो ये बंडल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड यार ये बंडल भी काफ़ी अच्छा है, ये बंडल की बात की जाए तो ये बंडल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन चांसेस कम है कि ये बंडल आपको स्पेशल रॉयल में देखने को मिले। हालांकि कोबरा के जो बंडल है उसके चांसेस ज़्यादा हैं स्पेशल रॉयल में आने के लिए। तो यार बात कर लेते हैं हमने दूसरे अपडेट के बारे में। था दूसरा अपडेट निकल के आ रहा है एंजेलिका का, जो मैंने आपको दिखाया था बंडल्स के बारे में, जो कि समर के बंडल्स तो नहीं कह सकते आप, लेकिन ये बंडल जो है ये बंडल एंजेलिका के थीम में है, और जब एंजेलिका का थीम आएगा तब आपको ये बंडल्स दो को देखने को मिलेंगे, मेल एंड फीमेल के कुछ बीच पार्टी जैसा इवेंट का बंडल है। एंड अब इवेंट की बात की जाए तो इवेंट बेसिकली यही है कि ये इवेंट पहले भी आ चुका है, आपको टोकन्स कलेक्ट करने हैं, फुटबॉल के जो टोकन्स हैं वो आपको कलेक्ट करने हैं, एंड देन आपको वो टोकन्स आप रिडीम कर सकते हो वो सारे प्राइजेस जो कि आपको इधर देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी सारे प्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे, एक स्पिन होगा फ्री पहला वाला, एंड देन आपको और अगर पांच स्पिन करना है तो उसके लिए 69 या 99 डायमंड लगेगा, एंड ये ऐसा कुछ इवेंट होने वाला है। आपको टोकन्स कलेक्ट करना है, एंड जैसे आप टोकन्स कलेक्ट कर लोगे आप रिडीम कर पाओगे, एंड साथ ही साथ इसके चांसेस ये भी हैं कि अगर आप टोकन्स ही नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली वो बंडल देखने को मिल जाए, इसके भी चांसेस है कि आपको डायरेक्टली देखने को मिले, या तो टोकन मिलेगा या तो डायरेक्टली बंडल भी मिल सकता है। अगर टोकन मिलेगा तो आप टोकन से रिडीम कर सकते हो वो बंडल्स। तो यार बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे इवेंट के बारे में। तो यार दूसरा इवेंट निकल के आ रहा है हम लोग का एक व्हील इवेंट, एंड अगर बात करें इस व्हील इवेंट के, तो यार व्हील इवेंट में हमें देखने को मिल रहा है कटाना का स्किन। ये कटाना का स्किन आपको कोबरा के थीम में देखने को मिल रहा है, एंड ये कटाने की बात की जाए कटाना काफ़ी अच्छा है, एंड कटाना का ये आपको व्हील इवेंट में ही देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा, एंड साथ ही साथ इसमें डायमंड भी देखने को मिल रहा है जो कि 1999 डायमंड्स है। तो ऐसा कुछ सीन होने वाला है हम लोग के कटाने का स्किन का, जो कि हम लोग को कोबरा के थीम में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं हम लोग और कुछ अपडेट्स के बारे में। तो ये इवेंट निकल के आया है एक और इवेंट, एंड ये इवेंट काफ़ी लोगों का फेवरेट इवेंट माना जाता है। बात करें इस इवेंट की तो यार इवेंट आपको मैं बता देता हूँ, आपको कोई भी चार आइटम सेलेक्ट करनी होती है पहले, कोई भी चार आइटम जो कि इसमें आपको दी जाएगी, कोई भी आपको चार आइटम जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे देन आप होता क्या है ये कि आपको रेगुलर छोटे मोटे मिशन दी जाएंगे, जैसे प्ले वन गेम लॉग इन करने का, प्ले थ्री गेम के लिए इतना एनिमी, छः एनिमी, सात एनिमी, एंड देन आपको टोकन देखने को मिलेगा। वो टोकन आपको जमा करना है, जैसे ही आप 50 पॉइंट जमा कर लोगे देन आपको इन चारों में से कोई एक चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे ही आप 100 कर लोगे देन आपको फिर से एक और चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे ही आप 250 कर लोगे देन एक और चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे ही आप 300 कर लोगे तो इन चारों में जो सबसे मेन रिवॉर्ड होगा जो कि आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपको लास्ट में ही देखने को मिलेगा, इसके साथ सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा कुछ ये इवेंट रहने वाला है। बात कर लेते हैं
अब हम लोग इवोल्यूशन MP40 जो हम लोग का होने वाला, जो कि कोबरा के थीम में है। ये इवोल्यूशन MP40 लीक्स के मुताबिक बताई जा रही है कि आपको फेडेड व्हील में देखने को मिलेगी। तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है, फेडेड व्हील में देखने को मिल रही है एंड काफ़ी बंदे अब ट्राई करेंगे क्योंकि निकालने का, क्योंकि फेडेड व्हील में यही होता है कि यार लास्ट में निकल जाता है, कंफर्मेशन रहता है कि भाई हाँ इतना डायमंड रहेगा तो मिल जाएगा। तो अब ट्राई करना निकालने का। एंड सबसे पहले लीक दे रहा हूँ कि इवोल्यूशन MP40 आपको फेडेड व्हील में ही देखने को मिलेगी, अभी तक बताया जा रहा है। एंड इसका जो डेट है वो बताया जा रहा है कि 19th February, यानी कुछ दिन का ही टाइम है, आपको देखने को मिल जाएगा ये फेडेड व्हील में। इसका एट्रीब्यूट मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, डबल डैमेज होगा एंड सिंगल रेट ऑफ फायर का। इसका ट्रेलर भी आप देख सकते हो, काफ़ी ओपी ट्रेलर है, कोबरा का पूरा इसमें लुक आपको देखने को मिलेगा। एंड यार मैंने बहुत पहले ही बता दिया इसके बारे में, तो इस चीज़ के लिए वीडियो को लाइक करना बनता है क्योंकि आप सबसे पहले बता रहा हूँ कि कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो यार अब हम बात कर लेते हैं इनक्यूबेटर रिटर्न में। तो यार इनक्यूबेटर आपको डाइनो का देखने को मिल सकता है रिटर्न में, क्योंकि यार बाहर के सर्वर में दिया जा रहा है डाइनो का इनक्यूबेटर रिटर्न में। तो हो सकता है कि आपको डाइनो का इनक्यूबेटर रिटर्न में देखने को मिले, या तो जो हम लोग का गोल्डन क्लाउन जो है उसका इनक्यूबेटर आपको देखने को मिले। तो यार ये दोनों इनक्यूबेटर काफ़ी लोगों का फेवरेट इनक्यूबेटर होता है, तो हो सकता है कि आपको जो नेक्स्ट इनक्यूबेटर है वो देखने को मिल जाए हम लोग का डाइनो का। तो बेसिकली ये इसकी डेट अभी तक तो नहीं आई कि आपको कब देखने को मिलेगा, बट बोला जा रहा है कि जो हम लोग का नेक्स्ट इनक्यूबेटर होगा उसके कुछ दिन बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा डाइनो का इनक्यूबेटर रिटर्न में। ऐसा बोला जा रहा है, या तो गोल्डन क्लाउन इनक्यूबेटर या तो डाइनो का इनक्यूबेटर आपको नेक्स्ट इनक्यूबेटर रिटर्न में देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको सब कुछ समझ में। तो यार इसकी बात पे वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हम लोग का जो फ्री फायर का नेक्स्ट कोलैबोरेशन होने वाला है उसके थीम पे। एंड साथ ही साथ जल्द ही आपके लिए फ्री फायर मैक्स का भी वीडियो आ रहा है, तो यार फुल डिटेल ना बताऊंगा। तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड लाइक कर देना याद।